Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, face Sanvin. You are watching Sun Non-Stop. Guys, again I'm back with another amazing video. Aur aaj ki jo hamari video hai, cheapest car in India versus Pakistan. India ke andar jo hai wo kya matlab cheapest sabse low price car ki kya, aur Pakistan ke andar wohi car jo hai sabse low price ke andar kitne ki mil rahi hai, comparison hone ja raha hai. Lekin usse pehle guys, aap logon ke liye aaj ka question ye hai ki aap log ke paas kaun si car hai, aap logon ke paas kaun si jo hai wo bike hai, wo zarur comment kijiyega. Second channel ka link description ke andar hai, fatafat se jaiye wahan par, jo like subscribe aur share kijiyega. Is channel ko bhi jaldi jaldi se fatafat se थम्स अप एक लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में होंगी, मेक श्योर वीडियो को स्किप नहीं करना तुम लोगों ने. तो मेरे वजह से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से इस वीडियो की सजेशन मुझे आ रही थी, बट फिर और वीडियो अंदर आ जाती है, वीडियो आ जाती है लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन वीडियो आ जाती है जो भी आप लोग सजेस्ट करते हैं. तो पहले फटाफट से हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की कार्स के इनकी क्या प्राइसेस हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे. दोस्तों, पाकिस्तान में गाड़ियों की आए रोज बेतहाशा बढ़ती हुई कीमतों ने मिडिल क्लास तबके को बुरी तरह मुतासर किया है. एक छोटा मोटा घर बना लेना और एक मुनासिब सी गाड़ी खरीदना मिडिल क्लास तबके का ख्वाब होता है, लेकिन आजकल के हालात में ये दोनों ख्वाब पूरे होते नजर नहीं आ रहे. कार खरीदना किसी भी मिडिल क्लास से तलक रखने वाले शख्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है. लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 35 लाख से कम के बजट में एक नई बेहतरीन गाड़ी कौन सी खरीद सकते हैं. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी. अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. दोस्तों, 35 लाख से कम के बजट में पहला ऑप्शन आपके पास सुजुकी आल्टो का है. सुजुकी आल्टो अपनी बेहतरीन फ्यूल एवरेज, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और रीसेल वैल्यू की वजह से हमेशा पाकिस्तानियों की अव्वलीन तरजीह रही है. इसका बेस वेरिएंट VX 22.5 लाख रुपए में अवेलेबल है और जिसका डिलीवरी टाइम 1 महीने का है. गाड़ी में 658 सीसी का मैनुअल इंजन दिया गया है, जिसकी शहर के अंदर फ्यूल एवरेज 18 से 22 किलोमीटर फी लीटर है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है. दोस्तों, 35 लाख से कम के बजट में आपके पास दूसरा ऑप्शन सुजुकी वैगनआर का है. सुजुकी वैगनआर का बेस वेरिएंट VXR है, जिसमें 998 सीसी का मैनुअल इंजन दिया गया है, जिसकी शहर के अंदर माइलेज 18 किलोमीटर फी लीटर है, जो कि 32 लाख में अवेलेबल है. गाड़ी में दी गई दीगर खसूसियात में पावर स्टेयरिंग, इमोबिलाईजर, AC, स्टीरियो सिस्टम और दीगर फीचर्स शामिल हैं. दोस्तों, आपके पास 35 लाख से कम के बजट में तीसरा ऑप्शन डाईहैट्सू मीरा का है. डाईहैट्सू मीरा शहर के अंदर 18 से 22 किलोमीटर फी लीटर की माइलेज देती है, जबकि इसमें 658 सीसी का इंजन दिया गया है. नई मीरा की कीमत 33 लाख रुपए है और ये गाड़ी मुख्तलिफ मुल्कों जैसा कि जापान, चीन और इंडोनेशिया से मॉडिफाइड हालत में आती है. न सिर्फ ये गाड़ी ड्यूरेबल है, बल्कि इसमें बेहतरीन लेटेस्ट फीचर भी दिए गए हैं, जो कि आपको पाकिस्तानी गाड़ियों में बहुत कम देखने को मिलते हैं. 235 लाख से कम बजट में आपके पास चौथा ऑप्शन किया पिकांटो का है. किया पिकांटो अपनी लेटेस्ट शेप और आला क्वालिटी की वजह से कस्टमर्स के दिलों में काफी जगह बना चुकी है. इसका बेस वेरिएंट 33.5 लाख रुपए में अवेलेबल है. गाड़ी में 1000 सीसी का मैनुअल इंजन दिया गया है. इसके अलावा इस गाड़ी में 2 एयरबैग्स, DRL, स्टीयरिंग स्विचेस, ABS, पावर स्टीयरिंग और पावर विंडोज जैसे फीचर भी दिए गए हैं. 205वां ऑप्शन आपके पास चंगान कारवान का है. चंगान जब से अपनी गाड़ियां पाकिस्तान में लाया है, कस्टमर्स की तरफ से इस कंपनी की गाड़ियों को काफी पजीराई मिली है. अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपकी फैमिली एक साथ मूव करना चाहती है तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है. इस गाड़ी में 1000 सीसी का इंजन दिया गया है, जो कि आपको 1 लीटर में 12 से 14 किलोमीटर की एवरेज देता है. इस गाड़ी के 2 वेरिएंट अवेलेबल हैं, जिसमें चंगान कारवान और कारवान प्लस शामिल हैं, और कारवान प्लस थोड़ा सा एडवांस्ड वेरिएंट है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिए गए हैं और उसकी कीमत तकरीबन 29 लाख रुपए है, जबकि चंगान कारवान जो सादा है वो आपको 27 लाख में मिल जाएगा. 206वां ऑप्शन आपके पास सुजुकी बोलान का है. अगर आप एक कमर्शियल डीलर हैं और एक बड़ी गाड़ी की तलाश कर रहे हैं जो पैसेंजर्स के साथ साथ कार्गो को भी एडजस्ट कर सके, तो सुजुकी बोलान आपके लिए एक सस्ता ऑप्शन है, जिसकी कीमत 19.5 लाख रुपए है. दोस्तों, आपके पास 7वां ऑप्शन सुजुकी एवरी का है.
कारोबारी शोबे से तल्लक रखने वालों के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। इसका बेस वेरिएंट 658 सीसी इंजन के साथ आता है, जबकि इसकी माइलेज 17 किलोमीटर फी लीटर है। अभी पाकिस्तान में इस गाड़ी के इम्पोर्टेड वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इस साल ये गाड़ी बाकायदा तौर पर सुजुकी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी और इसकी कीमत करीबन 24 लाख रुपए एक्सपेक्ट की जा रही है, जो की एक बेहतरीन फैमिली कार साबित हो सकती है। तो दोस्तों मोहतरम, आपको इन सातों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी पसंद आई है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है। ओके अभी वो इंडिया की देखते हैं या दिस वन। अभी इनकी प्राइस देख, 7 लाख का बजट आजकल कुछ नहीं रहा अगर आपने एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, पावरफुल गाड़ी खरीदनी है। तो अगर आपका बजट फिर भी 7 लाख है और आप एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग अच्छी गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके बजट फ्रेंडली है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों 8वें नंबर पर है मारुति सुजुकी सिलेरियो। दोस्तों मारुति सुजुकी सिलेरियो अब पूरी तरह से बदल गई है, ब्लू में कलर भी अच्छा लुक आपको देखने को मिलता है। इसमें वही आपको 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, 66 BHP की पावर मिल जाती है और माइलेज के मामले में गाड़ी बहुत आगे निकल गई है। 22 से 24 की MPL की माइलेज आपको मिल जाती है। अगर आप एक सिटी में गाड़ी चलाना चाहते हैं, अच्छी खासी माइलेज चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपका काफ़ी ज़रा साथ देगी। अब बात करते हैं कि आपके वेरियंट कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों VXI वेरियंट सेकेंड बेस वेरियंट है, जिसमें आपको अच्छे खास फीचर मिल जाएंगे, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, जो कि 5,83,000 रुपये प्राइस है और 6.5 लाख रुपये में आपको ऑन रोड ये मिल जाएगी। अगर आप एक थोड़ा नेगोशिएट करेंगे तो 5 से 10 हजार रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 7वें नंबर पर है मारुति सुजुकी वैगनार। दोस्तों अगर आप एक अच्छी खासी फैमिली कार चाहते हैं, तो मारुति सुजुकी वैगनार एक अच्छा ऑप्शन है। मारुति सुजुकी वैगनार की एक अच्छी बात है कि इसमें दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर। अगर आप पावरफुल गाड़ी चाहते हैं तो 1.2 लीटर की तरफ जा सकते हैं। तो जहां तक हम देख रहे हैं, अगर आपका बजट 7 लाख रुपए है तो आप 1.2 लीटर की तरफ भी जा सकते हैं। इसमें आपको ZXI जो कि टॉप वेरिएंट है वो मिल जाएगा, 6,28,000 रुपए प्राइस है और 7,20,000 रुपए पड़ेगी। अगर आप इतना बजट नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो VXI की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, 22 से 24 की MPL की माइलेज मिल जाएगी, 6 लाख रुपए प्राइस है और 6,70,000 रुपए में ऑन रोड ऑफर की जा रही है। अब बात करते हैं टाटा की गाड़ी की, टाटा टियागो। दोस्तों टाटा टियागो में अच्छी खासी सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, 4 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग है, इसलिए लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि देश का लोहा है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 85 BHP की पावर मिल जाती है और 18 से 20 की MPL की माइलेज मिल जाएगी। अगर आप एक फैमिली कार खरीदना चाहते हैं, शहर में गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है। 7 लाख के अंदर अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक XM जो कि सेकंड बेस वेरिएंट है, 6,70,000 रुपए में आपको ऑन रोड मिल जाएगी, और एक दूसरा है XTO वेरिएंट, इसका प्राइस है 6,20,000 रुपए और 7,10,000 रुपए में ऑन रोड ही आपको मिलेगी। अगर आप इन दोनों की तरफ नहीं जाना चाहते, हुंडई के फैन हैं, तो हुंडई की ग्रैंड i10 न्योस भी अच्छा ऑप्शन है। हुंडई ग्रैंड i10 न्योस में अच्छी खासी लुक तो आपको मिलती है, इंटीरियर भी आपको अच्छा खासा नीट एंड क्लीन मिलता है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 82 BHP की पावर मिल जाती है। माइलेज भी कंपनी ने 20 से 22 की MPL की क्लेम की है, लेकिन आपको थोड़ी सी कम मिलेगी अगर शहर में चलाते हैं तो। इसके वेरिएंट की बात करें तो मैग्ना वेरिएंट सेकंड बेस वेरिएंट है, 6,78,000 रुपए प्राइस है और 7 लाख से ऊपर ये प्राइस चला जाता है, 7.5 लाख रुपए तक, बाकी 20,000 रुपए तक इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएंगे। अगर आप एक SUV लुक वाली गाड़ी खरीदना चाहते हैं, थोड़े साइज में बड़ी गाड़ी चाहते हैं, तो निसान मैग्नाइट एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। निसान मैग्नाइट में आपको 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, 71 BHP की पावर मिल जाती है। इसमें आपको टर्बो पेट्रोल भी मिलता है, लेकिन उसका बजट काफ़ी हाई हो जाता है, 17 से 19 की MPL की माइलेज मिल जाएगी। 7 लाख का बजट है आपका, तो बेस वेरिएंट ही इसमें आएगा, 6 लाख रुपए प्राइस है और 6,70 या 80 तक आपको ऑन रोड ऑफर की जा रही है। जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, ये दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस है और दिल्ली के ही ऑन रोड प्राइस है। अगली गाड़ी आ जाती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी एक यंगस्टर की पहली च्वाइस है, अब तो इसका फेस लिफ्ट यानी कि 4th जनरेशन भी आने वाला है, उसका प्राइस थोड़ा हाई होगा। अगर आप अभी गाड़ी ये खरीद लेते हैं तो आपको ये बढ़िया रेट में मिल जाएगी, अच्छा ऑफर मिल जाएगा। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, 89 BHP की पावर मिल जाती है और 20 से 22 की MPL की माइलेज मिल जाएगी। इसका भी बेस वेरिएंट LXI आपको मिल जाएगा, 6 लाख रुपए प्राइस है और 6,70,000 रुपए में ऑन रोड ऑफर की जा रही है। और पहले नंबर पर फिर से टाटा की गाड़ी है, टाटा पंच। टाटा पंच भी एक माइक्रो SUV है, फिर भी इसका साइज काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है,
यहाँ तक कि ऊपर से देखेंगे तो जिमनी से भी ये बड़ी गाड़ी लगती है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 87 bhp की पावर मिल जाती है, 18 से 20 PMPL की माइलेज मिल जाएगी। इसका भी फेसलिफ्ट आने ही वाला है जल्दी ही। अगर आप इसे बाय करते हैं तो आपको ये बढ़िया रेट में मिल जाएगी। बाकी फेसलिफ्ट का प्राइस तो हाई होगा ही। इसका आप बेस वेरिएंट प्योर की तरफ जा सकते हैं, 6,13,000 रुपये प्राइस है और ऑन रोड 7 लाख रुपये तक आपको ऑफर की जा रही है। तो दोस्तों ये कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि 7 लाख के अंदर अंदर ऑन रोड ही आपको मिल जाएंगी, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है। बहुत अच्छा, बाकी ब्रांड आपकी चॉइस है कि कौन से ब्रांड की तरफ आप जाना चाहते हैं। तो ऐसा बहुत ही कमाल की बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी यार। इंडिया के अंदर इतनी सस्ती कार्स मिलती हैं और वही पाकिस्तान के अंदर जो सबसे चीप थी ना, मतलब लाइक वो 19-20 ऐसे इतने लाख से स्टार्ट हो रही थी, और वही चीज़ें अगर इंडिया में देखा जाए तो 2-3 लाख, 7 लाख, 6 लाख में आराम से मिल जाती है। मुझे नहीं सब बिकॉज पाकिस्तान के उनके पार्ट्स जो हैं वो फिर बाहर से लाए जाते हैं, फिर उनको जो है वो असेंबल किया जाता है। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर कार्स जो होती हैं वो असेंबल की जाती हैं, मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत हाई प्राइस हो जाती है इनकी, और 20 लाख से ऊपर जो है ना वो स्टार्ट होती हैं प्राइस कार की, चीप कार्स की प्राइस। और वहीं पर इंडिया के अंदर जो 6-7 लाख में आराम से अच्छी खासी, जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो 30-40 लाख की कार मिलती है, वो इंडिया के अंदर आपको 6-7 लाख में आराम से मिल जाती है। मतलब इतना प्राइस का जो है वो डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा भी नहीं है। बिकॉज इंडिया के अंदर जो है वो ना वो कार जो है वो मैन्युफैक्चर्ड की जाती है, इसलिए जो है वो अच्छे प्राइस में आप लोगों को इजीली आराम से मिल जाती है। और अगर सेकंड हैंड कार की प्राइस की बात करें तो वो 1-2 लाख में आपको अच्छी खासी अच्छी हालत में वहाँ पे जो है वो कार मिल जाती है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।